लेकिन यही है कि जो भी करता है विद प्रॉपर परमिशन के साथ प्रॉपर ऑर्डर गवर्नमेंट करने से बहुत अच्छा होगा। सर जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी का कहना है कि जो आपका ये डिपार्टमेंट है उनको उनका तरफ से आपका डिपार्टमेंट को याला ये मई महीना में इसका एनओसी लेटर कुछ परमिशन लेटर दे चुका था, तो उसको वो परमिशन का जो ऑर्डर में भी जो वायरल अभी जो हो रहा है डीसी का ऑर्डर में वेरी वेरी क्लियर तार में को जो एप्लीकेशन दिया था उसको हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गवर्नमेंट को फॉरवर्डिंग कर दिया, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ से अप्रूव करके आता हु ईयर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं होता है, वहाँ से अभी तक नहीं आया है, तो उसको अच्छा काम करने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर के साथ करने चाहते हैं। मोर ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया इज नॉट अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाउ, इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। जो जो भी पूछना है आप डी सी को पूछिए, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक, आप लोग दौड़ के आ रहे हैं। कल पेन के ई सी लोग सर डी सी ऑफिस के बाहर में बहुत घंटे रुके थे सर, अगर इस तरह का चीज होने ही जा रहा था तो कल ही इनको क्यों रोका नहीं गया सर? आज 144 भी लागू किया और टेंशनपुरू के अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर भी दे दिया गया, इस तरह का जो स्टेप लेने से पहले सर कल उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया सर? कल क्या हुआ था मुझे पता नहीं है, लेकिन आप डी सी को जाकर पूछिए। तो ईएसी की तरफ से कहना है कि डीसी जो डीए होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछे 144 लागू क्यों किया गया है, और आज कल जो पेन और नेचर जोन स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से जो परमिशन लेने गए थे ग्रांट क्यों नहीं किया गया है, और आज यहां पे इलीगल डिक्लेयर क्यों किया गया है, 144 डिक्लेयर क्यों किया गया है। ईएसी की तरफ से कहना है कि डीसी जवाब देंगे, वो राइट अथॉरिटी है जवाब देने के लिए। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि हमारे मित्र जितने भी मीडिया हैं वो वहाँ पे ईएसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन हम डीसी की चैम्बर आ जाएंगे और बातें करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि पेन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से कल सोशल सर्विस करने के लिए डीसी ऑफिस को गए थे लेट ग्यामर पादंग, उनका लास्ट विश यही था जैसे हमने वायरल व्हाट्सएप के जरिए से हमें जानकारी मिली कि वो चाहते थे यहाँ पे स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी बनाया जाए उनके नाम पर, इसलिए यहाँ पे आज पेन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स और अरुणाचल के यूथ सोशल सर्विस करने के लिए आए थे, लेकिन इलीगल डिक्लेयर करते हुए अभी हमें ये भी सुनने को मिला है कि ग्यामर पादंग आई एम सॉरी टिचीपुरू जो कि चेयरमैन है और दादक नालो वाइस चेयरमैन, उनके लिए डिटेंशन ऑर्डर भी निकला गया है डीसी के तरफ से, इस तरह से हम सुन रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है कि 144 लागू किया गया है यहाँ पे हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी पुलिसमैन हैं वो सब आए हुए हैं ये इंफॉर्मेशन को देने के लिए, और ये इसी सुबह से यहाँ पे लगातार जुड़े हुए थे, और सोशल सर्विस तो आज नहीं हो पाया, तो इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं तो माइक के जरिए से हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सुनते हैं। ये एरिया पे लगाया गया है, ये 6 किलो है, अगर आप इटानगर से आ रहे हैं तो आपको ये जगह जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये आपको लेफ्ट मिलेगा, अगर नाहरलगन से आप आ रहे हैं तो राइट साइड वहाँ पे है। तो ये एरिया जिडिक्शन जो 140 के अंतर्गत आ रहा है, आप लोग धीरे धीरे करके यहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे ये हमें लगता है, क्योंकि 144 लागू होने की वजह से। तो इस वीडियो को अंत करने से पहले आपको हम आज का पूरा लोखा झोंका हम कुछ शब्दों में देना चाहेंगे, ब्रीफ देना चाहेंगे। कल पेन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी के तरफ से सोशल सर्विस करेंगे इस तरह से जो डिक्लेरेशन किया गया था, अनाउंसमेंट जो सोशल मीडिया के जरिए से किया गया था, और उनके तरफ से डीसी ऑफिस वो गए थे जहां पे वो परमिशन ग्रांट के लिए मांग रहे थे, लेकिन डीसी नहीं मिला उन्हें, फिर भी मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल सर्विस तो वो करेंगे, लेकिन फिर डीसी उनकी तरफ से ये भी
सुनने को मिलता है, उनको मुझसे मिलता है कि ये डीसी के एजुकेशन के अंदर नहीं आता है, हाईवे अथॉरिटी के अंदर आता है। अगर आने वाले डेट में भी स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनाया जाए तो हाईवे अथॉरिटी ही परमिशन ग्रांट करेंगे, अप्रूवल देंगे, एनओसी देंगे, तभी जाके स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी लेट ग्यामर पादंग के नाम पे यहाँ पे बनाया जाए जा सकता है, इस तरह से कहना है। लेकिन ईएसी सुबह से यहाँ पे थे और उनकी तरफ से बार बार कहा गया है कि यहाँ पे आप असल सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईवे अथॉरिटी के अंदर आता है, बिना परमिशन आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से ईएसी की तरफ से कहना है। और थोड़ी देर पहले अरुणाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन आए और उनके तरफ से एक ईएसी को कागज़ ऑर्डर कागज़ दिखाया गया जहाँ पे 144 डिक्लेरेशन का नोटिस बताया गया और पुलिस ऑफिसर की तरफ से अभी अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि ये जगह जो है 144 के अंतर्गत आप लागू करते हुए आता है, इसलिए जितने भी लोग आप चले जाइए अपने अपने रेस्पेक्टिव घरों में, इस तरह से पुलिस ऑफिसर की तरफ से कहना है। और पुलिस ऑफिसर ईएसी जितने भी आते हैं पुलिस कर्मचारी जितने भी पुलिस पर्सनल आए हुए थे उनकी तरफ से कहना है कि वो भी हायर ऑथोरिटी का ऑर्डर मानते हुए अपना ड्यूटी ही कर रहे हैं, कोई पर्सनल वैल्यू के साथ नहीं है, इसलिए अनेस्टिंग में रहे, इस तरह से कहना है।